सत्संग। डॉक्टर कमला जी ने ये शब्द सुना हुआ ग्रंथ साहब का कि जो पिंडे सुब्रमांडे, ये ग्रंथ साहब का शब्द है गुरु नानक देव का कि भाई जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। मनुष्य को बताया जाता है जो तेरे अंदर है वो बाहर है, तू मनुष्य रूप से ईश्वर अंश है। तो एक तो ईश्वर बड़ी शक्ति है जो चांद सूर्य तारों से परे है और उससे सब कुछ होता है, उससे वो हिलोर होती है। वो है क्या उसके विषय में आपको कल ही बताया था कि वो अकह है, अपार है, अगाध है, अनामी है। उसके बारे में कोई कह नहीं सकता क्यों, नजदीक गया नहीं कोई, नहीं जा सकता। अपार है उसका कोई पार नहीं पाता, अगाध है उसका कोई था नहीं ले सकता। समुद्र गहरा हो ना उसकी कोई था नहीं ले सकता, उसका कोई था नहीं ले सकता। अकह, अपार, अगाध, अनामी है वो, उसका कोई नाम नहीं। उसका कोई नाम रखते हैं संत, कुल मालिक है, जो कहते कुल मालिक परमात्मा, परम आत्मा। आत्मा एक तो आत्मा है, एक परमात्मा, एक तो छोटा प्रकाश जो है जैसे इधर लोक है, एक आदमी के अंदर है और एक वो परमात्मा जिससे सब कुछ आता है, ऐसे उसका नाम रखा है। तो आदि काल से जब से मनुष्य उत्पन्न हुआ है, आया है, उसी की इच्छा से बताती थे वो तो कथाएँ हैं, कोई हाजिर तो था नहीं। तो क्या है कि वो जो अवस्था है उससे रेडिएशन निकलती है धारें प्राकृतिक तरीके से, और रेडिएशन से चांद सूरज तारा लोक लोकांतर खंड ब्रह्मांड बन जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं। उसी के अंदर से ये जो अपना लोक है, ये लोक मृत्यु लोक है, आता चौरासी का चक्कर है, पिछले कर्म भोगने के लिए आदमी आता है। कोई अलग अलग लोक है, अलग अलग लोग जैसे सतलोक के अंदर बहुत से लोक 88 करें निवासा, हंस करें दा परमानंदा, जब इधर इधर इकट्ठी होती है सूरज। तो ये ऐसी ऐसी व्याख्या है। तो अभी उसके लिए मनुष्य यहाँ खेलने के लिए आता है, यानी परमात्मा ही आता है खेलने के लिए। किस रूप में आता है? मनुष्य के रूप में। जो खेल करता है वो परमात्मा और मनुष्य के रूप में करता है। क्यों? इस जैसा यहाँ पर कोई जीव नहीं इस लोक में, अनेक से दूसरे लोक में बताते हैं। यानी इसको बड़ी भारी शक्ति है, इसके विचार में शक्ति है, सोचता वैसे हो जाता है। घर की इच्छा करी घर बना दिया, ब्याह की इच्छा करी ब्याह हो गया, संतान की इच्छा करी संतान पैदा होगी। तो अभी ये कहते हैं इसके लिए ज्ञान जो है मनुष्य को ही ज्ञान दिया है कि वो इस लोक में कैसे सुखी रह सके। तो आदि काल में कई ऋषि मुनि हुए, खूब ब्राह्मण जो थे इसी की रिसर्च करते थे और देखते थे कि कहाँ से आए हैं, क्या कुछ है, जानने की कोशिश करते थे। तो पहले देखते थे इसको दुख सुखी कैसे रहे, दुख सुख रहने के तरीका उन्होंने सोच किया, अनुभव किया, बताया। फिर भी ये कैसे आगे के लिए क्या जान कर सकता है अपना आप सुखी कैसे रह सकता है ये तरीका, और जान कर सकता अपने आप को, तो जानने का तरीका अलग अलग व्याख्या करी गई उसकी। रामायण में इसकी व्याख्या करी गई है कि शिवरी को भगवान राम आए, राम का अवतार आया, ये कथा है, पर ये बात है सही कि वो जो राम आया तो राम का अवतार आ करके और ये काम करने के लिए आया, राजा के घर पैदा हुआ। सब रामायण पढ़ते उनको पता है उस कथा का, मतलब समय के अनुसार वो ज्ञान देते आए ऋषि मुनि। बहुत से ऋषि मुनि हुए, बड़े कुपनिषद ऋषि अलग हुए, बात बोली, कुछ बोला, कुछ अपना अनुभव। और वो इसे बोला कि मनुष्य सुखी कैसे रह सके, सुख रहने का तरीका। और साथ साथ फिर ये बताया भाई इसका दुख क्या है और सुख क्या है, उसका अनुभव किया उन्हें, यह अनुभव किया है उनका, ये अनुभव किया। उसके बाद फिर वो जैसे आ गए तो वो कहे हो इसके विचार में तो शक्ति है, अगर वो चाहे तो जीते मुक्त होकर वापस जा सकता है। यानी इसको ये ज्ञान, ये भी उन्होंने रिसर्च किया। तो रिसर्च करने वालों में चार ऋषि बड़े हुए थे। पहला है मनु, पहला मनु है, मनु ने नियम बताए मनुष्य को कि कैसे रहता है सुखी रह सके। वो उसमें सब कुछ बताया है, जो मनु ने बताया ना बात, वो ये समझता था, मनु को ये पता चला कि दुनिया कल्पित है, है नहीं, भासती है, सताई नहीं है इसमें। तो माया बता दी उसको कि माया है, माया की व्याख्या करी उन्होंने, माया की व्याख्या एक दिन में नहीं, काफ़ी दिन अनुभव करने के बाद करी माया क्या। तो अभी पंडित कीर्तन जी आखिरी वो माया की व्याख्या करते हैं कि माया है क्या, कि जो तुम खुली आँख से देखते हो तुम्हारी माया, जो तुम्हारे विचार में दुनिया नजर आएगी, ये माया ये नहीं है। इधर कमरे में आँख खोल के देखो जितनी चीज़ें सब माया, मतलब ये दिखती भासती सदा रहने वाली नहीं, ये हमारे शरीर जो दिखते हैं ये भासते हैं ना, ये भी सदा नहीं रहेंगे। मतलब खुली आँख से जो देखोगे आप
आइजाद ये वो लोक लोकांतर ये वो कारखाने फैक्ट्रियाँ वो सब के सब समय नाश हो जाएंगी, मनुष्यों का शरीर वो चले जाएगा। तो सब के सब जो आँख खुली से देखोगे सब माया है, लेकिन हम समझते उसको सत्य है, उसमें मेरा मकान है ठीक है, और ये ख्याल नहीं कि ये भी खत्म हो जाएगा। श्री नजर आता है बड़े अच्छे नजर आते श्री मोहते वो भी नहीं रहेगा। जब ये चीज़ों का निश्चयात्मक आदमी ऊपर उठता है सब माया है। अब यहाँ की माया तो देख ली सबने, और अंदर वाली माया का पता नहीं चला योगियों को, साधन करते गए तो पहले किसी गुरु ने संस्कार दिया उसको, उसको पता संस्कारों की दुनिया है कि अभी तुम ऐसे करो पहले स्थान पर जाएगा तो पीले रंग का प्रकाश आ जाएगा और घंटे का शब्द सुनेगा, ये संस्कार डाल दिया। अब जब वो साधन करेगा तो वो उसके सुनी हुई बात अगर उसमें नीचे मन आए तो उसकी उसकी तलाश कर चाह करेगा तो उसको पीले रंग का प्रकाश आ जाएगा, घंटे का शब्द आ जाएगा और मन इकट्ठा हो गया। अब क्या चीज़ है ये अंदर की माया है, ये भी अंदर की माया है, किसकी आपकी। तो अब यह माया आपकी और आप या जीनी माया है सूक्ष्म मोटी चीज़ स्थूल देख सकती छू सकती वह तो स्थूल है, और जो देख नहीं सकती सिर्फ वास्ती है नहीं वो जीनी माया है। मैं बता रहा हूँ बड़े ऋषि उन्होंने फिर बताया उस वक्त के आदमी को सुखी कैसे रहना है कि भाई तुम ऐसा करो ऐसा सोचोगे जैसे जैसे होगे, और ज़्यादा फिर क्या तुम तीर्थ त्यौहार मनाया करो, क्योंकि उसको पता है रोशनी की आदत भी है इसकी, तो उसमें सब इकट्ठे करो गेट टुगेदर ये तीर्थ त्यौहार पहले कब चले आज के नहीं तो गीत गाओ गीत भी गा लो उस दिन खुशी मना लो, फिर कोई मर गया तो सो लिए बैठे हो लेकिन तीनों का गीत गाओ उमंग मनाओ ये करो वो करो। ये मनु ने समृति ने बताया कि तुम तीर्थ त्यौहार मनाते रहना, अपने जो आदमी जिस लेन पर उसी में ब्याह करते रहना, जाति बिरादरी में ब्याह करना ये वो करना, वो पांच गोद की बात मारिए पांच गोद छोड़ के शादी करो ये करो वो करो। वो बताया फिर मनु ने ये बताया तुम नोबल चिल्ड्रन पैदा करो, ये जो बात बता रहे हम पंडित फकीर जी ने बताया ये बात आज से नहीं है, मनु ने बताया कि तुम बच्चे ऐसे पैदा करो जो तुमको सुख दे नोबल नेक, और वो इच्छा करोगे इच्छा का लोक है ऐसे हो जाएगा। तो ये नियम निम मनु के बनाए रहे हैं आदमी को सुखी रहने के लिए, उन्हें बनाए हुए हैं सबके सब तुम बड़ी ऋषि मुनियों ने बनाए रिसर्च करी उन्होंने थोड़ा संस्कार बनाया कि संस्कार दे दो उसको, संस्कारों की बात है गर्भाधान संस्कार बेटे और उसके बच्चा आ गया तो उसको संस्कार देते हैं अलग बेटे, अब जो तुम वो पंडित पुरोहित ले जाते थे कि संस्कार दे उसको गर्भाधान का पेट बच्चा आ गया है तो संस्कार देते थे कि तुम वैसे करना सोचोगे वैसे वाला बच्चा सोचेगा, जैसे तुम बोलोगे वैसे बच्चा बोलेगा, तो तुम रूसना मत नहीं तो वाला बच्चा रूसेगा, तुम जो काम करो कर पेट में बच्चा जाता है गृहस्थ मत भोगना। जैसे मैं सिद्ध ख्याल बताता हूँ हर एक तो चर्चा नहीं करता है, मनु ने पहली बात बताई वो याद मनु का नियम तो मानने नहीं तो उनको सुख कहाँ से मिलेगा। अब लोग कहते पुरानी संस्कृति पुरानी संस्कृति पुरानी संस्कृति, ये जो जनसंघा ले नहीं है उसमें चलते हैं नहीं कोई तो बकने से क्या फ़ायदा है पुरानी संस्कृति ब्रो पुरानी संस्कृति में, अगर पुरानी संस्कृति को अपनाओ फिरे अपनाते हैं नहीं तो उन्होंने फिर किसी बताया मनु ने कि भाई तुम नोबल चिल्ड्रन पैदा करो, मनु समृति मन तो पढ़ी नहीं है कहीं से सुना हुआ है कोई बात, तो मनु समृति में ऐसा ऐसा पहले लिखा हुआ है। तो मनुष्य को सुखी रहने के लिए वो ज्ञान दिया था उस वक्त कि तुम ऐसे सुखी हो तुम सोचोगे वैसे हो गए, यहाँ माया है सब साधारण वाली नहीं सूक्ष्म है ये दिखता हुआ रहेगा नहीं, बाहर की माया की चर्चा थी वो। और फिर उसके बाद में भृगु आया, भृगु ने भृगु संहिता लिखा और भृगु संहिता भी ये लिखा जो आजकल लिए फिर पत्रा पत्रा ये, अब भृगु बनना चाहे भृगु तो है नहीं, भृगु तो योग ध्यान से सोच के जो ध्यान से अनुभव किया था खुद ने, अब योग तो किसी का बनता को नहीं सीख लिया मंगली द्रव तो बुद्धि है तो विश्व का ये होगा फल इसका ये फल ये बातें सीख ली और ये आदि जूठी साथी करी पेट का गुजारा गया, ये किसी खास बात के लिए लिखा था भृगु जो संहिता है ने भृगु ने किसी खास बात पर इसकी कथा है, कथा क्या बताते हैं बेस आपको बता दूँ ताकि आपको पता होगा भृगु क्या ये सेंस क्या है। भृगु क्या करते थे कि कोई एक भृगु को चीज़ मिली साधन किया तो अनुभव आया सोचा ये अनुभव मैं दूसरे ऐसे आदमी को बताऊँ दूसरों को भला कर दे, जैसे मैं कहता हूँ तो मैं आपको ज्ञान देने के लिए आया हूँ ताकि आप आगे जारी रखें। तो भृगु ने देखा कोई योग्य आदमी को दूँ ये चीज़ क्योंकि अगर गुस्सा अगर आता होगा तो वो आदमी तो नाश कर देगा शक्ति आ गई ना उसमें। मैं कहता हूँ तुम्हारा ये रूप आ गया सफ़ेद रंग का प्रकाश लाल रंग पीले रंग का प्रकाश आ गया घंटे का सब सुन रहा तो सीधी आ गया आप
अगर अब सोचोगे वैसे हो जाएगा, अगर गलत सोचोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो भृगु ने सोचा इसमें सिद्धि आ गई और ये तो ऐसे आदमी को बताऊँ ये बात जो भला आदमी हो गुस्सा ना आता हो। तो भृगु कईयों पास गया, पहले शिव के पास गया, उसने कहा शिव ने भी गुस्सा कर दिया, और फिर उसको ब्रह्मा के पास गया, उसने भी गुस्सा कर दिया, आखिर विष्णु के पास गया। वो नारद वगैरह मुनि बैठे थे, कथा है या नारद वगैरह मुनि बैठे हुए थे सब, और जाकर और लक्ष्मी जो थी पैर दबा रही थी विष्णु के, आप शायद लेटे हुए थे, जाके चुपचाप मुनि इधर लात मारी खेल की कथा इधर इधर मरी, उसने हाथ को पकड़े पैर को, ये मुनि आपको लगी तो नहीं है, लगी तो नहीं है आपको, लगी तो नहीं है ना, उसने तो मारी लात और उसने पुचकार की, क्या आपको आपको तकलीफ तो नहीं होगी। वो सोचा इस आदमी को देना है, तो लात मारी या फिर भी वो इसने गुस्सा नहीं किया, तो इसके काबिल है या चीज़ विष्णु के लिए। जब ये सोच ही रहा तब तक लक्ष्मी जो उधर गुस्से मर गई बैठी बैठी, कहने लगा ए ऋषि मैं तेरे तेरे घर नहीं आऊँगी, जाओ तुम भूखे मरोगे सब ब्राह्मण। लक्ष्मी रूस की जब घर माया नहीं हो तो बेकार हो जाएंगे, तो तुम भूखे भूख मरते मरोगे, मैं आऊँगी नहीं तुम्हारे घर, गुस्सा कर घर में। मुझे कहने लगा ऐसे मेरे तो दूसरी दे दिए, तो सोचा इससे तो बात नहीं बढ़ेगी बताने से। फिर गया, फिर जाके उसने तप किया, योग साधन किया, योग साधना करके उसने ये भृगु संहिता लिखा कि ब्राह्मण को ये दे दो, सात पत्रा खोलो, कि लाओ जी 100 रुपया रखो, लखो जी 2 रुपया रखो। वो लिख के लिया कर ब्राह्मण को, ये देवजा हुई तुम जाओ तत्रा दिखाना, लक्ष्मी आ जाएगी अपना आप, तो लक्ष्मी वैसे होगी। फिर भृगु ने सोचा कि इसको इसको शादी दूसरी करा देता हूँ। बोले जी आपके संतान नहीं है, तो आपको संतान कर दो, फ्रेंडसी को देख लो आप चुंडू जिस लड़की को चुंडू सुंदर हो गया। और लक्ष्मी घबराई, उसका बाप समुद्र था उसके पास गई, और ये तो शादी दूसरी कर रही है बिल्कुल से। फिर पंचायत पंचायत तो करीब आदमी राजीव भी कराया, तो फिर बोला ऐसे मैं कह तो दिया, फिर ऐसे करोगे तुम जा तक पुत्र लेना मतलब गोद दे देना, पर संतान तो नहीं होगी, कोई बात नहीं, ऐसी कथा है या। तो उस वक्त से क्या था, भृगु ने जो बताया था साहित्य था वो योग से बताया था। और अब ये देखते हैं फिरते हैं कोई योगी नहीं, इनमें पेट के लिए काम करते हैं, इनमें कुछ बात सच जाती है और अगला मानता तो सत्य नहीं, कोई सदैया बैठे या मैं नहीं मानता, मन देव जीवित का देव, ये पेट के लिए काम करते हैं, कोई सत्ता ही नहीं इसके अंदर, एक हमारा पसाता ने उसको दुनिया को अच्छे चालमी को चक्कर में डालता था लाल, और इसने देखा धर्म जी के कुछ नहीं, मेरा ये काम मुझे सीधा अपने मेरा ये काम कर दो ठीक है, कुछ नहीं दम नहीं है उसके, सब पाखंड था। मैं कुछ सट्टे मारते सुन बताओ नहीं, सट्टे मारते हैं मैं गया तो मेरे को ऐसे ही था, मैं बेबी के घर गया था, मेरे को बुलाया था एक ने बड़ा अप टू डेट टाइप बना जेंटलमैन अच्छे इंग्लिश बोलने वाला, तो राजनेताओं को कन्विंस कर रखा, अरे तो आप चुनाव में आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कोई सब उसको माने, अगर 5-10 में से 3-4 आ जाए तो बस वो तो माने ही उसको, तो ऐसे करते रहे। तो भृगु जो था उसने ये कथा देखी, ये इसलिए लिखी थी भृगु संहिता, लक्ष्मी दुर्शीष दे दी लक्ष्मी ने, फिर लक्ष्मी को उल्टा करके वो बैरवदा सत्ता थी शिविर में सब कुछ चलाया। उसके बाद में वशिष्ठ आया राम का गुरु, तो राम के गुरु ने क्या बताया, राजा को ज्ञान देने वाला था कैसे कैसे करना, वो आप देखते हैं जब पंचायत करी राज्यपा किया सब कुछ किया, जब भरत आया भला है उसकी माँ ने, तो आते करने लगे सब ब्राह्मण इकट्ठा कराया, भाई ये रात तारीख किसने किया था, तारीख किसने निकाली थी, तो सब ने बोला हमने निकाली जी हमने निकाली, अच्छा हो तो आपने निकाली गलत हुई, तो इसका मतलब आपने धोखा दिया मेरे भाई को, आपने उससे क्या उस दिन राजा बनाएगा और उस दिन देश का निकाला दे दिया उसको, तो आप ठीक नहीं। फिर बोले साहब हमें क्या अगर शास्त्रों के दिखा, तो बोले शास्त्रों को पानी में बहाऊंगा मैं, क्या शास्त्र उठे हैं, बोले शास्त्र वादे इस पर हमारे पास रहे क्या जाएगा, प्रणाम तो यही था रामायण गीता ने, तो हमारे पास है क्या, अगर अब आपके पास ये किताब नहीं तो कुछ ज्ञान नहीं आपके पास, ये पप्पू कह रहे था ना कर वो ये जो बिचारा, इसके बस की बात नहीं है, ये कामुकता से बिल्कुल बया हुआ है और बुद्धि से ठिकाने नहीं है, पढ़े लिखे आदमी अफसर बन गया और बात लोग हम सुन ली कैसे धर्म की बात है, और मेरे टकराव में उसको सीधी बात कर यार ये बात है, तो मेरे को छोड़ भी कौन सके, क्यों किताब तो मेरा पढ़ा है पढ़ी की तो ज्ञान होया इसको, इसको पहले किया ज्ञान था, और साथ साथ वो मंगता ही क्योंकि इसके बस की बात है बुद्धि ठिकान नहीं है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, क्यों कामंग से वजह से स्थिरता नहीं है, तो ऐसी हालत लोगों की होती है। तो वो जो विशिष्ट था
उसको फिर ब्राह्मण कर लेंगे महाराज, वो तो कहता तुमको फांसी छोड़ूंगा फिर, अगर शास्त्रों को रखना चाहते हो तो इसका मतलब तुम झूठे हो, धोखा देते हो लोगों को और तुमको सबको फांसी चढ़ा देगा। तो वो घबराए सब, तो वशिष्ठ को बताएगा ऐसे ऐसे हमारे तो, वशिष्ठ आया, फिर वशिष्ठ आके इसको समझाया उसको, तो उसको एक शब्द है उसके समझाने के लिए, कहते हैं सुन हो भरत भावी दुर्बल बिलख कहा मुनि राय, जन्म मरण लाभ हानि ये सब हर के हाथ, किसी आदमी हाथ नहीं उसके हाथ है, अरेगा मतलब नॉन नून है क्यों ऐसे बोलो हर बता दिया उसे, उसके हाथ है। अब मैं बताता हूँ ये सब सब आपके हाथ में, आपके विचारों पर ये लोग, तो उस वक्त इतना ही ज्ञान था उनको घर का हाथ, जो चीज़ नहीं आती वो उसके हाथ है। आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे बुजुर्गन जो कहे वो सब सब ठीक है, पर बातों में ये क्या कहता है वो, जिसका पता नहीं था उनको कि कैसे भैया क्यों क्यों राजा राजगुरु गया क्यों इसके ये हो गया ये बात और कुछ नहीं आया उनको, तो वशिष्ठ आके क्यों पूछे था। आज ये कहे सुन हो भरत है भावी प्रबल है, होनी प्रबल है, कर्मगति प्रबल है, आप समझे कि नहीं, भावी प्रबल है इसका नाम है, भावी होनी ये बात कर्मगति ग्रह है ऐ नाव रखे, पूरी चीज़ उनको निश्चयात्मक थी नहीं, इसलिए उन्होंने कहा सुन हो भरत बिलख कहा मुनि राय, जन्म मरण लाभ हानि जस अब जस हर के हाथ, ये किसी हाथ नहीं, ऐसे करी पीछा सुखाया उसे। और उसके बाद जो व्यास होया, व्यास ने क्या किया कि बताया भाई तुम देखो ये इधर तो कल्पित है सब, तुमको मरण साधारण वाली चीज़ नहीं है, और ये जो आना जाना इसका दुख है, तो तुम क्यों नहीं सदा के लिए आना जाना ही खत्म कर दो, तुम कोशिश करके सदा के लिए आना जाना ही खत्म कर दो, जाओ वहीं चले जाओ भाई। तो उसने ये तरीका बताया कि तुम ऐसे साधन करके और अपना आपको जान लो। तो उस साधन में उस वक्त ने क्या तरीका बताया था, पर फिर बाद में जैसे जैसे वो अनुभव करते गए वो लिखते गए। तो रामायण गीता तक सिर्फ इतनी थी कि उसको मन के मंडल को बताते, मन के मंडल की बात करते थे कि मन से सोचते थे कि भाई भगवान का दर्शन हो गया तो मुक्ति होगी, ये मान्यता थी रामायण तक। आखिर राम 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 करो, राम आ गया ना तो बेड़ा पार है, ये चलती थी। तो ये इसकी बताई रामायण के अंदर इसका उदाहरण है वो, उसका क्या कहते हैं बाली और सुग्रीव का, कि बाली जो भाई की औरत को रख लिया था ऐसे कर लिया था, तो उसने सोचा वो सुग्रीव उसका दोस्त था भगवान का मानता था कि महाराज ऐसे मेरी औरत को उसने रख लिया भाई ने ऐसे वैसे, तो सुग्रीव उसका दोस्त था तो उसने कहा ठीक है, तो वो मर नहीं सकता उसको वरदान था, ऐसे वैसे छुप के मारना पड़ता था उसको, सामना आके नहीं मार सकते, तो उसने कहीं अलग ले जाके बाण मारा, बाण लग गया मन लड़ गया और देखा उसको राम है, बोले आप ये आप तो भगवान है सबके लिए बराबर है, सुग्रीव दोस्त है मैं आपका दुश्मन, ये तो आप को छुआ नहीं देती। तब फिर राम ने कहा भाई बात ऐसी है कि लघु भरात भगनी और सुतनारी ये सब है कन्या समचारी, और तू उसके छोटे भाई की औरत को रखा हुआ है, इसे समाज के अंदर सब ऐसे रखेंगे भ्रष्ट हो जाएगी, तो नियम की बात थी। तो बोले ये बात तो मुझे पता ही नहीं था, अगर मुझे कोई पहले बताता तो मैं करता नहीं, अब उसका मन पिघलेगा होगा ना, ओहो इसको तो ज्ञान था। तो बोले फिर तेरे को जिंदा कर दूँ, तो उस वक्त ये मानी जाती थी कि राम आ जाए दर्शन हो गया फिर ऐसा मौका नहीं आएगा। तब उसने कहा वहाँ पर कोटि कोटि मुनि यत्न कराएं फिर भी अंत राम नहीं आए, सो दृष्टि गोत्र मुझे आया भौरी कैसे बने बनावा, रमणी चौपाई है कि मेरे को ये बात आएगा इससे क्या मौका दोबारा बन सकता है, मैं मरूँ आप मेरे सामने खड़े ये नहीं मैं तो बस अभी मेरी गति होगी। और राम 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 कई बाली किनो तन त्याग, सुमन माड़ जो कंठ से गिरतन झाड़न आग, राम राम कह कि सहज में अपने प्राण त्याग दिया उसने, जैसे हाथी के गल में फूलों की माला होती है वो कभी टूट जाए पड़े तो उसको पता नहीं चलता कहाँ लगी, इस तरह प्राण त्याग दिया। ये उस रामायण में माना जाता है कि राम का आखिरी आ गया तो मुक्ति है, लेकिन अब जो आगे रिसर्च करी उन्होंने कि वो तो मन का मंडल है, वो तो मन का मंडल है, ये तो सत्य नहीं, तो सत्य क्या करके देख लो, उधर जा के देख लो मुक्ति और आके बताया नहीं उसने, रामराज जी प्रण तो त्याग दिया वो बताया तो नहीं उसने, तो पर कर लो। तो उसने योग बताया कि योग वशिष्ठ जो नहीं ये व्यास ने, और व्यास ने आके बताया कि तुम सदा के लिए मुक्ति, ऐसे ये ज्ञान चले आ रहा है, अब समझे कि नहीं। तो ज्ञान की जो अवस्था है वो अलग अलग आहिस्ते आहिस्ते चली आ रही है। अब ये इनसे बताया कि जो पिंडे से ब्रह्मांडे, अब ये बात और है, ये ज्ञान और है, पाठ और है,
ये क्या क्या था कभी जो तेरे पिंड में है ना जो कुछ एक दुनिया है तेरी अलग, मनुष्य की दुनिया अलग है। जैसे भगवान ने अपनी दुनिया है कि नहीं, उसके पास सब लोग लोकांतर सब उसने बढ़ा रखी और उसके पास लीला है, वो कहीं तो स्थूल है कहीं सूक्ष्म है कहीं कुछ लोक लोकांतर बढ़ाए हुए। इसी तरह मनुष्य के अंदर भी वो लीला है, वो जो उदर है ना ऊपर, वो सब मनुष्य के अंदर है। तो वो क्या बताते हैं, वो बताया जीवाणु है। जैसे तो मनुष्य को जीवाणु का ढेर देश है पूरा बना हुआ। भाई पहले जैसे हमने रोज खाना खाया तो जो टट्टी पेशाब के जीवाणु है रोग जीवाणु वो कुछ और है, और इसी तरह फिर थूक है तो थूक के जीवाणु और तरह के, वो सब का जितना अंदर का लुब्रिकेशन और बंदोबस्त करते मरम्मत वो उसको सीते, मतलब उससे सब रोग दूर हो जाते। नीचे से ऊपर तक जो थूक है ना तो उसके जीवन है उसके अंदर से बड़े भारी जीवाणु, और वो जीवाणु जो जाते तो वो सब गलत को छुआना सफाई करते रहते। फिर इसी तरह से पेशाब है तो पेशाब के जीवाणु और तरह के, अब समझ रहे, खून जो है सर्कुलेशन में ब्लड है उसके जीवाणु और तरह के, और जो बीज है उसके जीवाणु और तरह के, तो इसके अंदर देश बढ़िया है पूरा। और एक जीवाणु ज़्यादा बढ़ जाते इससे तकलीफ होती है तो दूसरे जीवाणु इंजेक्शन देते ज़्यादा ताकतवर होते हैं वो उसको खत्म करते। दुनिया है पूरी पूरी मनुष्य के अंदर, ब्रह्मांड में भी ऐसी, ब्रह्मांड में से जो बड़ा परमात्मा है उसने भी जो देश रथ रखे हैं उसके तरह तरह के जीवाणु हैं, ऊपर के सतलोक के जीवाणु और हैं, वो सत के प्रकाश के ही प्रकाश का सबको लीला, प्रकाश का उनका खड़ा प्रकाश का उनका भोजन है, और वो आनंद लेते हैं। ये खेल हम करते नहीं इधर खेल, इस तरह वहाँ का खेल होता रहता है। 688 लोक निवासा हंस करें जहाँ परमानंदा, ये दुख कलेश का नाम नहीं वहाँ, सुख सुख ऐसे वाणी में लिखा जो उत्पत्ति पढ़ने में लिखा। तो ये मनुष्य के अंदर एक तरह की इसकी दुनिया है और इसके जीवाणु अलग है। तो पिंड में जो है आपके शरीर में जो कुछ है वो ब्रह्मांड में है, वो इसकी नकल है, उसकी मनुष्य के अंदर लीलाश की उसकी नकल है उसकी ब्रह्मांड की। तो ये गुरु नानक देव क्या कह रहे हैं इसका अनुभव करके बता दिया, जो पिंडे से ब्रह्मांडे, जो कुछ पिंड में है वो ब्रह्मांड में, ये एक पद्यांश है उसका ग्रंथ साहब का। तो इसको कोई बात लगी तो मैंने बोली आज उस सत्संग देना पिंडे से ब्रह्मांडे, तो आपके अंदर जितने जीवाणु हैं वो ढेर है बहुत ज़्यादा है, लोक है उनका पूरा, और वो लोक जो है उसका अलग अलग तरीके का है, स्टूल के जीवाणु और हैं, पेशाब के जीवाणु और तरह के, दुनिया बसी हुई है। जैसे आपको दक्षिण भारत में जाते हो तो कुछ और तरह का कल्चर मिलता है, बंगाल में जाते हो और तरह का कल्चर मिलता है, इसी देश के आदमी हम लोग, और पंजाब में आते हो तो कल्चर और मिल गया, कश्मीर जाओ तो कल्चर और तरह का मिल गया। तो ये उसकी लीला है कि नहीं है यहाँ पर, और इस लोक में तो अलग है, सूक्ष्म लोकों का अलग है, ब्रह्म लोक का अलग है, विष्णु लोक का अलग है, शिव लोक का अलग है, अलग अलग लोक है लोकांतर है। देखना चाहते हो तो देखने का तरीका बता दिया इधर से, इधर माथा के बीच में ध्यान आ गया, जो चीज़ की इच्छा करो जिस लोक की ध्यान बढ़ गया, ध्यान बढ़ने का तरीका क्या है, लाल रंग का प्रकाश और ओम की ध्वनि आ जाती है, ओम ओम या गड़गड़ गड़ या दम 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 नगारा, अलग अलग प्रकृति आदमी, हिंदू के तो ओम ओम आ जाता है, मुसलमान अमीन अमीन कर लेते हैं, अब किसने भी अमीन अमीन आ जाती है, और कोई दूसरा कुछ नहीं मानता जो वैज्ञानिक है उसको नगारे की कोई आवाज़ आ जाती है या गड़गड़ शब्द कहते हैं उसको, कई तरह के शब्द हैं अकॉर्डिंग टू दी नेचर, सबको एक नहीं आता। अगर आप कहते अनुभवी आदमी है आप कहते मेरे को तो नगारे का शब्द सुनता है, वो कहा ठीक है इसे कहा आप, और क्या देखते वो देखता हूँ लाल रंग का प्रकाश आता है, मूर्ति लाल रंग की आती है, तो उसने कहा कि त्रिकुटी बन गई आपकी, तो क्या सीधे आ गई, ज़बरदस्त सीधे आ गई, थोड़ा सा नाराज सोच का बोरेगा नहीं, और इसकी मिसाल दे रखी है जबलपुर की औरत के पंडित फकीर चंद जी, समझेगा नहीं, और वो ऐसा है कि जो सोचते रहे ऐसे आदमी गोड़ी की चोट लग जाएगी, ये नज़र टपकार वगैरह और क्या है यही तो है। तो ये अवस्था अनुभव से होगी सबके साथ, तो पिंड में पिंड जो पिंडे सो ब्रह्मांड से भी ना, जो इस पिंड में आपके जो लीला है इसी तरह से ब्रह्मांड में भी वही है, वो बड़े पैमाने पर है ये छोटे पैमाने पर है, आगे ना सर, ये मिनिस्टर है बच्चों गुड़िया है ना बैठाते। अब कल में गया तो जाते मैं उसके क्या कहते हैं घर में गया बोले, तो पेशाब करने में गया तो मैंने देखा क्या कहे पता नहीं बंदर का ऐसे टुकड़ा का बड़ा सारा सोया पड़े चार पाए, तो मैं कह पहली तो बात ये इसके संस्कार ऐसे ही हैं और इसके जानवर ऐसे लाया कि बच्चे का संस्कार भी ऐसे ही मिल दे कि बच्चा उसी प्रकृति का आएगा कोई ना कोई या कोई आएगा या इनके भी संस्कार ऐसे, अरे भाई इंसान है कम से कम इंसान की फ़ोटो तो लगाते अच्छी तरह से, तो घर में ये जो बंदर जो कुकर रख रखे हैं जिन उनके संस्कार ऐसे ही हैं, जानवर पहले वो जानवर रहे हैं, जानवर की दुनिया से तरीके तो जानवर से उनको अभी तक भी प्यार है,
जब मनुष्य है तो मनुष्य होना चाहिए, तो अच्छे ब्राह्मणों के घर में ब्रह्मा की विष्णु की फोटो, ये शिव की पार्वती की ऐसे लगा रखी ताकि मनुष्य का संस्कार पड़े। और जो लोग हैं जो निचले अज्ञानी, तो बच्चे कहते मैं तो वो लिया जानवर ले आया, कुछ कुछ लिया, कुछ ऐसे मिलाव ले आया। अब ये क्या है कि उनके जानवर के संस्कार है, जब उनको पता है कि इस बच्चे को संस्कार क्यों देते हो, तो वो बच्चा पेट में आए उस वक्त मानो जानवर का संस्कार आते और वो बच्चे हो जाते। इन संस्कारों की दुनिया है, संस्कार संस्कार कर रही थी ने, तो जिसके घर में मिलाव है मिलाव के संस्कार होंगे। कैसे आया, उसके माँ बाप ऐसे ही हैं, वो पिछले जोड़ी में से रहे हैं, जोड़ी है उनको उससे प्यार है, और उसको ये पता नहीं संस्कार का पता नहीं भी हो। तो संस्कार दुनिया, तो गिठिया घर में आओगे तो ऐसे संस्कार मिल जाएंगे, बिलाव का फोटो का कैसे कुत्ते का बिल्ले का वो होगा, पिल्ला है मेरा पिल्ला है बच्चे पे लगाए फिरते। या अज्ञान के कारण मनुष्य को मनुष्य का संस्कार दिया था, तो अज्ञान से है वो सब, अज्ञान है। और उनको कोई ज्ञान ही मिलेगा अनुभव से तो वो ये नहीं रखेंगे, फिर जैसे संस्कार रखेंगे वैसे में बताया अंत समय जब जाते हो जो आपके सामने शकल आएगी उसी जोड़ी में चले जाओगे। अंत समय में जो संस्कार आएंगे कुत्ते का बिल्ले का गाय का जानवर का भालू का वो लड्डू गोपाल बना रखा उसका वैसे संस्कार आ जाते, संस्कार मिल गया। आइए ना समझ बात, तो पिंडे से ब्रह्मंडे समझिए ना आप, ये है। तो अब ये इसको चेंज करना है संस्कार को, और ये होगा ज्ञान से। चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, सतगुरु को जो ज्ञान और बुद्धि देता है, क्यों देता है ज्ञान बुद्धि, क्योंकि उसकी शुरू ढूंढती है उसको, उसने ढूंढा है त्रास किया है उसको अनुभव है, तो वो ज्ञान और बुद्धि देगा। तो एक एक ज्ञान नहीं देगा, जिस चीज़ से आप दुखी वो चीज़ बता देगा, वो इस दुनिया में दुखी है तो वो बात बता देगा, और कोई ज़्यादा मोह करके मोह से दुखी है तो मोह को हटा देगा वो। ब्रह्मन कहता ना ऐसी कृपा करी गुरुदेव मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया, इस मोह से दुखी हुए बैठे ज्ञान का तो मोह छुटा देगा। ब्रह्मांड में जो लोग हैं ये टूटते भी हैं, ये लोग टूटते हैं बढ़ते रहते हैं, जो जो उपजे सुबिन से, इसको ग्रंथ साहब मित्रा कहा, जो उपजे सुबिन से जो पैदा होता वो नाश होता, सब बवाया सब। जो लोग हैं बढ़ते हैं टूटते हैं, इसी तरह से जो उपजता है वो बिन से जाता है, बिन की उसी में समा जाता है जिसमें था, बेचारे फैला और इकट्ठा हो गया, फैला इकट्ठा हो गया, जो उपजे सब बिनता है। और बोलो प्रसन्न कर लो, चलो कोई शंका तुम्हारा प्रसन्न करो, मेरे सत्संग के संबंधी जो भी कोई शंका आपको मेरे से पूछ लो आप, कोई भी सब कुछ आपके अंदर है, आप मरकज आलम हैं, मतलब ज्ञान के केंद्र हैं, और आपको अज्ञान के कारण आप निश्चित आत्मबुद्धि नहीं है। ये जैसे आप कहते हैं निज रूप को जान लो, मैं तो यहाँ वो होगी, ये कैसे पता लगेगा कि यही मेरा निज रूप है, जैसे अनुभव हम जैसे साउंड सुनते सुनते जैसे उसको उसमें खो जाते हैं और उसको महसूस कर रहे हैं, फिर मतलब ये अंतिम स्थिति कैसे पता लगेगा कि यहाँ आप ये निज रूप है। बाहर का गुरु आपको संस्कार देगा इसका, जैसे आप साधन करते हो ना तो पहले आपको बताता, पहले तो बताता कि पहले ये पहले स्थान पर रुको, दुनिया चाहिए तो दुनिया बन जाएगी, दूसरा कहता है ज्ञान चाहते हो तो यहाँ रुको और इच्छा का रखो, और मन इकट्ठा होकर बताता है ये मन की पहचान क्या, ये लाल रंग का प्रकाश आ गया और ओम की ध्वनि आ गई तो आपका बन गया साधन। बाहर का संस्कार नहीं देगा, कुछ नहीं आएगा आपको, ये बाहर का गुरु संस्कार डालता है और वो संस्कार डेवलप होकर के वो फिर अनुभव करता है, चक्कर लगाता है और वो सुरत जो है वो खींच के ऊपर चली जाती है, यानी ये संस्कार इसलिए देता है ऊपर से ऊपर चल के कि वह सुरत जो है वो ऊपर चल जाए। तो दो तरह से चलती है सुरत ऊपर, एक तो भय से इकट्ठी हो जाती है ना, और एक होती है प्रेम से। तो प्रेम वाला रास्ता सोरा है, प्रेम का रास्ता सोरा है। तो कुछ करना ही नहीं, हाँ तो मिसाल दिया प्रेम का, मिसाल दिया कैसे सत्संग का, वो कहते हैं गुरु का रूप लगे से प्यारा कामनी पति मीन जल धारा, सत्संग करना है सच है ये सत्संग। ये मतलब ये नहीं कि वो उसको पत्नी बना लेता है, पत्नी का तो सुसूल होएगा काम, और वो सूक्ष्म है, गुरु का रूप देख के खुश हो रहे वो सूक्ष्म, कोई गिरावट नहीं आई। मैं जो पूछ रहा हूँ जैसे आपका तो भी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, ये कैसे पता लगता है, ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं अनुभव कर रहा हूँ वहाँ पर, आप अनुभव कर रहे हो, जैसे मैं उसको सुनती हूँ तो मतलब मुझे ये नहीं पता लग रहा मैं कहाँ हूँ, ये मैं पूछ रहा हूँ। तू तू बेताल चल रही, तू बेताल चल रही, अनुभव गया तेरा पहले ठेका देगी अपनी मर्जी से, लेकिन आप कर तो रही हो अभी, कर रही तो मर्जी से कर रही तू, तो बात को मानती नहीं, कौन सी नहीं मानती। जैसे मैं कहता हूँ ये जो अनुभव रूपा है सुरत शब्द अनुभव रूपा, तू तो बड़ा भ्रम का कुपा अनुभव हो जाता तेरे को, बेस में कमजोरी है, बेस में कमजोरी है, बेस के मतलब ये किन का है, टिकाव का है,
शुरू की बेस नहीं है। पंडित फकीर सिंह ने कहता है मैं मेरा ध्यान नहीं बढ़ा, मैं सोचा ध्यान नहीं बढ़ा, मैंने की हो गया, मैंने की हो गया। तो फिर एक सकल मेरे सामने आती, वो हटती नहीं थी। मैं कोशिश तेरी करी क्या सकल है नहीं बात थी, फिर आ जाए तो वो हटती नहीं थी। फिर माँ खोल देती, जाग गया मैं तो आँख बन कर ये करता था, आँख खोल देती, आँख खोल गई। फिर मैंने सुमन कराया और सुमन करके फिर ध्यान कराया तो फट प्रकाश आ गया। अब उनकी बेस बनी हुई है, अब बेस तो तेरी है को नहीं, जंप करिए सीधा, क्योंकि उस वक्त तो थोड़ी शक्ति थी, फिर बेचारी शक्ति थी, ताकत थी, तो बेस रेडिएशन से हो तो गई ऊपर, अब रेडिएशन से होगी। और फिर उसके बाद फिर वो जो नेम थे वो नेमों का पालन नहीं करती। अब कहते मेरे पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, मैं कहता हूँ मेरे घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है। तो अगर कारण का पता हो तो ठीक है। अब तेरे को जैसे भूख लगी कोई अच्छी चीज़ दर्द की तो भूल गई, बोली मेरे फेवरेट खाना है ये, मेरे फेवरेट खा जाती है जबरदस्त अज्ञान के कारण, और खा जाती है तो, और फिर खाने के बाद में तेरे को वो तकलीफ देता है। तो कल नहीं खाऊंगी, कल नहीं खा रहा, तो बोले खाना नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, ठीक है। और फिर आ जा भाई, आ जा, तू जाइए बैठी उठे, मेरी बात तो सुनी, कल खाना आया, अब देख लो। और अब किसी को महसूस होने नहीं देता, जिसने जिस चीज़ की बनाई थी तो देख लेता हूँ, उसे बात समझे कि नहीं। तो वो ये ड्रामा नहीं करता कि टेबल लगाई है, उसने खाना बढ़ाया है और वो खाना चाहता है, और नहीं खाना खाना बेवकूफ़ी है, अज्ञान है हमको भाई, उसको दौरा थोड़ा कर जाना है कि देखो जी खाया नहीं, उन्होंने बेचारी भी उसने बढ़ाया है, तो उसको बताओ कि खाना खाया है और खाओ, मतलब मर्जी आपकी है, कोई जबरदस्ती थोड़ा डर चलता है। मैं तेरा सामने बैठा था, चार पाँच सौ चावल पहले रेडी, फिर चलो तो और गाल लगी थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा तो और गाल दिया, कोई बात नहीं, पर चावल की बनाई खा लिया, समझ गया खाना खा लिया, इसमें बला दाल थोड़ी सी सब्जी सी डाल दी और थोड़ी सी दाल दूध डाल दी और ड्रामा ड्रामा कर दिया। और इसी तरह मैं करता हूँ, जिस जाता हूँ ये नहीं खाऊँगा, नहीं खाऊँगा, नहीं, और तू कहते नहीं ये तो मैं नहीं खाऊँगी, और कोई अच्छा जा तो कहते मेरी फेवरेट आ गया, मेरा फोटो भूल गई तू खागी, और वो गड़बड़ करता है, कंट्रोल कंट्रोल नहीं है। अब तो छोड़ रहा क्या फेवरेट फूड कुछ ही होगा कुछ कोई मतलब, तो खान तो कुल तेरे दम सीधे रह गए, जाओ भाई जाओ भी खा लेता हूँ, तो तेरी मर्जी बता, एक चमची का डाल दिया खा दिया, ड्रामा कर दिया, तो ड्रामा तेरे करना एक्टिंग करना नहीं आती है। अब मैं ड्रामा करता हूँ, तू देख कितना जोर लगाती है, जरूर खाना मैं खाता नहीं, मेरी खा भला, मेरे पेट मेरा है, तकलीफ मेरे को है, कहने वाला जोर से खिलाता है, कोई जोर से चले जा रहा है मेरे मुँह में, तो ये तरीका करना पड़ता है, ये रहने का ढंग है, जीवने का तरीका है, समाज में रहने का तरीका है। अदा मैं नहीं खाता कुछ, मैं फलानी चीज़ नहीं खाता, हाँ जैसे कह दो जी वो मीठी चीज़ नहीं लेता हूँ, या चाप गया पीता नहीं मीठी, मैं मेरे को ड्यूटी खा ले, वो ड्यूटी कोई नहीं कहेगा तू ड्यूटी खा ले चीज़, और कहीं भी इसको भी कहते तो खा ले, मेरे दस्ती नहीं कोई चीज़ बात खत्म है। बताए सांग करेंगे मैं खाता नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, पंडित फकीर जी कहता ने कि मैं वो नहीं खाता था, अन्न नहीं खाता था, तो मैं जाता सब माफ करते, वो बड़ी बात अन्न नहीं खाती, 20 साल वो खाए बिल्कुल, तो वो कहता था मैं भला आदमी नहीं हूँ, बहुत गिरड़ा आदमी हूँ, गंदा हूँ, मैंने एक गलतियाँ की थी इसलिए मेरा आत्मा खराब हो गया, आत्मा खराब हो गया तो मेरे को हजम नहीं होता है, चंगा आदमी नहीं हूँ भाई, काम भी भोगता गया साथ साथ, साधन भी करता गया, आत्मा खराब हो गया, किसी का कुछ खराब हो जाता है, किसी काम भी भोगता साथ साथ वो साधन भी करता है, तो कहते मेरे को पता नहीं था ये बात। तो बात इस दुनिया में रहने के लिए एक ढंग बढ़ा दो, जैसे जैसे दुनिया में से दुनिया साल दुनिया में जाओ, उसे ज्ञानी होंगे जबरदस्ती, अब वो काल में कितनी बार क्या था आपके ज्ञान के लिए थी वो चीज़, मैं कितनी बार कहूँ उसने सुनी नहीं, खुल देगा उसको ज्ञान, कितनी बार मैंने कहा कि भाई विशेष से जो हो योदास साहब प्रमाण उस बात को नहीं सुने, और मेरा फटाया उनका, समझा कि नहीं बात, और वो औरतें जूता मारती है बिल्कुल सार, उससे बहुत दुखी था, उससे बहुत थी औरतें काल मांडे मेरे बहुत गौर से, और बड़ी बात सुनी, पहले तो आती थी सी मुझे चल जाती दूसरा फटाई चल जाती थी, चल जाती आनंद चाहती थी, उससे नर्जी थी उनकी आपसे, और फिर जब सद कह रहा उठाया कान मार दिया उसने फटाफट, तो उसने तो औरतें तो सुनी और उसने सुनी गोली बिल्कुल, समझे की बात। तो जिस घर में कड़े है, जिसका मन स्थिर नहीं, जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, वो क्या करेगा, ये क्वालिफिकेशन है पहली। मैं बार बार तेरा तेरा करूँ भाई, ये ज्ञान उनके लिए विशेष से जो हो उदासा परमार्थ की दावना, धन संतान प्रीत नहीं जाके, अब ये बात खुद ध्यान ही दे, धन की प्रीति प्रेम की चाह है सबको, अब उसको कई दिन से बोले मेरी औरत चाहती बच्चा हो जाए, और बच्चा इसका है नहीं, अब बच्चा इसका है तो वो तो चाहती है बच्चा करना, तो पहले इसको बच्चा पैदा करना चाहिए था, अब इसमें शक्ति नहीं, और वो चाहता है ज्ञान, और बाबा छुपावे, अगर बाबा बता दे तो ठीक हो जाए, अब मैंने बताया था ये महाकामी है,
पर ये बात करने से बुरी थी उसकी टेबल पर जाके उसने घर बुलाया, ये बात करता बहुत बुरी थी। पंडित फकीर जी तो कहता तुम महाकामी है, बोले तो तुम महाकामी है। बोले पंडित जी क्या कहते हो, मेरी औरत के साथ वो श्री को देखा नहीं। अरे बोले छुरी पराई अपने मांगे मार कर दो, छुरी तो छुरी है तो औरत से तेरी होते पढ़ाई पढ़ाई देगा तेरी औरत के साथ। बोले हाँ मेरी औरत के साथ हो गया, कितना हो गया? बोले खूब हो गया। तो बोले वो विषय हो गया तो अब तेरे को भी शांति नहीं मिलेगी, इसलिए उसको विषय कम कर दो। बिल्कुल वो तो लठवार बात करते थे, मैं लठवार नहीं कहता, पुलिस स्टार भी हूँ जमाने का, ऑफिस से सिर्फ पढ़ाया हूँ, ख्याल है किसी का मन बहुत दुख हो तो मैं अगर ये बात उसको कह देता तो बुरी लगती, मन नहीं दिखाता मैं क्यों को ऐसी बात जिससे उसका मन दुख है, वो दूसरी दे मिठा राम जी का बाय बाय। और मैं कह भी था तेरे जी करे तो कर लेना, जी करे तो मत लेना कोई बात नहीं, या पैसे दे दे पैसे देना, नहीं किताब मत लेना, या फिर तो कभी छपे दे दे देना। अब मेरी एक बात को नहीं सुनी उसने, मैं कहा अब नहीं तो बाद में कभी छपावे नहीं है उसको दे देना, तेरा दान हो जाएगा ज्ञान का, आज नहीं देता था। अब उसको फ्री कराया मैं सब तरह से, और अब सब फ्री करिए वो संतुष्ट नहीं हुआ बात में, क्योंकि उसका अशुभ कर्म था, सुन नहीं सकता वो। अशुभ कर्म जिसके पड़े उसके वो दोष नहीं है, कोई मुझे गुस्सा नहीं था उस पर, अशुभ कर्म थे। समझे कि मैं आपको दिखाने के लिए ले गया था ये, कि मैं गया वो कहता आओ मेरे को रास्ता बताओ, सीधा रास्ता बता दो, सीधा बता दो। अब मैं सीधा बताओ कहने को मंडे टाइट मारे रास्ता रास्ता ही नहीं, ये गोलियाँ बैठा था तो मैं उसका दिल नहीं दुखाया, समझे नहीं बात। और वो उसकी मैं कमी सी या कह देता था उसको दर्द होता है, मैं उसको दृष्टि से लड़ जाता था। मैं गोल मार कर की बात आ गया, अरे तो आपको ले गया इसी बात के लिए था, देखा समझा तो तेरे जैसा वो काम उड़ जाया था, उड़ जा रहे मेरे प्रैक्टिंग होती थी, क्या ड्रामा कर रहे तो तुमको ज्ञान हो जाता। उसको कुछ नहीं कहा, मैंने पता था महाकामी है और बिल्कुल इसका मन चंचल है, और कब से करो मेरे घर जाना, ये क्या कारण था, ये चंचल मन है, काम से बहुत पहले बचपन से गिरा हुआ अभी गिरा हुआ है, कामी है। और अवसर बन गया अपना भाग था, कोई शुभ कर्म था तो ये मकान देख कर कैसे क्या करेगा मकान, ये करने से मैं ये कह देता ना तेरा बाप ही कौन देखे प्रकाश से, तो कितना दुख आता उसको, और शक्ल देख शीशे में देख ले मुंडा फिर प्रकाश आ कि फूल की तरह खिला होगा, जिसको प्रकाश आता है उसका चेहरा फूल की तरह खिला होगा, अच्छा प्यारा लगेगा। अब वो परेशानी परेशानी इधर की बात इसके पूरी कर, तो उसका दोष नहीं है, क्यों दोष नहीं है, उसका ज्ञान है, उसके अशुभ कर्म, ठीक है कि नहीं। तो वो किताब वाली बात थी, मैंने कहती इसको वापस करना मत करना, भाई मैं कह दिया सब तरह से, और लठ मारता हूँ वो भी देख नहीं देना तो कोई बात मत ले, और तू देना चाहता मैं ये दान कराना चाहता हूँ तो छापा के लिए दे देना पैसे, और नहीं बोले दो पैसा तो मैं दूंगा वो करूँगा, बोले बोले मत दे, बोले गुरु जी को पढ़े गोली कोई तो मेरे से ज्ञान देगा लंगोटा। ससुराल को मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे कर लेना, तो वो कहते हाँ जी कर लेता हूँ, तथा जब तक वो काम हो मैं उसका दान कराता हूँ, और वो पुण्य गोली कोई तो तेरे मत पढ़ो तेरे की तकलीफ है, तू तो एक आदमी भीख मांगता है मेरे घर टी दो, तू समझता वो काश में देता है तेरे को तो लाभ है, वो चाहे जाके उनको बेचो दारू पी तेरे को ठेकेदार लग रही है तुम। अब जितनी बातें हो गरीब और कोई पढ़े देता बोलते तू नहीं तो तुम सब सब कहते हो, किताब ऐसे जाती है बिल्कुल तुम्हारे पॉकेट से पैसे लगे हैं क्या? अरे लगे क्या, मैं कहता हूँ काम कर लो, और मैं कहता हूँ गुरु जो कहीं सो हित कर दान, गुरु जो कहीं सो चिंदर दान, तो बात मानना है उसकी बात को सोलह लकीर समझना है, तब वो ज्ञान आता है। और अपनी बुद्धि साथ होगी तो वो अपनी बुद्धि मुताबिक काम करोगे, उसके ज्ञान को फट मारोगे पड़े पड़े। हम कोई लड़ने को नहीं गए थे, दादा लगाओ घर में जाता हूँ मैं आदमी इकट्ठे करता हूँ उनके अंदर किताब बांटता हूँ ताकि उसकी किताब सुन के फैल जाए। और वो बोले मैं एकला जाके देख लिया, अरे एकला ज्ञान दे देखो ज्ञान लेने के लिए तैयारी कौन था, वो ज्ञान के दूर बहुत कुछ दूर था, उसके सीधा रास्ता बता दो, सीधा छोटा रास्ता बता दो, अब छोटा रास्ता बता सुनने के तैयार कौन, मैं कहूँ इसकी क्वालिफिकेशन होगा ये होना चाहिए, अगर ये करो तो ये कौन सबसे मेरे में नहीं है। और मैं और उसको पंडित फकीर से जूता मारता तो मैं समझ गया बात कि मैं दुर्शीष नहीं देता, कि उससे अच्छा ही नहीं है ये भी बात है। और उसने इसलिए मरा के लोग समझते नहीं था कि एक उसको एक महात्मा ऐसा है, उसने ये कहा, उसने चेंज कराया, उसने शिक्षा को बदला है, शिक्षा को तरीके से बदल दिया उन्होंने। और ये गुरु जी ने आज्ञा दी थी कि तू मेरी शैली जो है ना ये भी लोग प्रसन्न नहीं करेंगे, तो शिक्षा को बदल दिया। तो शिक्षा को बोले मैं क्या बदलूँ, तो मैं इसको नगा कर देता हूँ कि कोई गुरु आवे ना पीर आवे ना कोई देवी आवे ना कोई देवता है, तो ब्रह्मा हो तुम्हारा मन ही बढ़ाता है सब।
राम राम नहीं आता है, तुम राम को पैदा करते हो, देवी नहीं आती, तुम देवी हो, तो जन्म वाले हो ना, देवी के पैदा करने वाली हुई ना, तो गुरु का रूप लगे, गुरु का रूप बनाता था, पहले दर्दा है, मन ठहर गया उधर से, वहाँ पर मन ठहर गया, प्रेम से ठहर गया वो। अब वो गुरु क्या करता है, 420 जो करता है, छोड़ो उसको बात, वो करेगा पाएगा सर, वो करेगा पाएगा। अब वो जो अपना था ना ये कबीर, उसका गुरु कौन था, रामानंद, रामानंद। अब रामानंद जी के जानता है, ब्राह्मण था साधारण, उसने बढ़ा दिया, कबीर ने बढ़ा दिया रामानंद को, रामानंद गुरु मिले, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैं कोई संत महात्मा नहीं था, तब बढ़ा दिया परम संत के लाल सिंह जी महाराज, तो परम संत बना, तू एक में आया, मैं तो कोई परम संत को नहीं, तो बढ़ा दिया। और ये बात है, तो आप में जो ज्ञान है वो ज़बरदस्त है, आप मरकज आलम है, और उस ज्ञान पर ठहरते नहीं। वो गुरु ये कल कहता है, आप में ईश्वर है, आप ईश्वर से, आप में शक्ति है, आप में शक्ति है, कोई गुरु कहता है आश्रम वाला ये कहेगा, तो त्वर में ईश्वर है और त्वर में शक्ति है, मेरे में कुछ नहीं, क्योंकि वो किसी काम के लिए बेचारा कर रहा है, उसने आश्रम किसी मतलब के लिए बनाया। जिसने कोई काम मतलब के लिए किया वो तुमको सच्चाई कैसे बताएगा, और जिसका मतलब नहीं है, नानक बरसे बेप्रवाह, वो बेप्रवाह परवाह नहीं करे, वो सच बता देगा, मानो मत मानो, बुरा लगे लगो। अब कई बार मैं कह देता हूँ, तेरे बात करी तो गुस्सा बांध देती, वो गस रखती, बोले आपने मेरे को ऐसा कहा, आपने मेरे को ऐसा कहा, आपने, तो मैं क्या सोचता हूँ, इसके बस की बात नहीं बेचारी, बस की बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ये दुखी नहीं होता कि तुम क्यों रूस की, तो आपने मेरे को ये कहा, वो आपको बुरा मानती थी, पर तो बहुत ज़्यादा रूसती थी, अब कम कर दिया, तो संस्कार है, बस की बात है, मजबूरी है। मैं इस बात को समझता हूँ कि मजबूरी है, जैसे रात उसकी बकर मजबूरी थी, मैं उसका दोष नहीं निकालता, मैं वो कड़ी बात नहीं कहता कि तेरे बाप को अपने बोली ऐसे क्यों गया ना उसको, तेरे बाप को प्रकाश नहीं, फकीर से इसलिए नहीं, फकीर को पढ़ डाले पर ऐसे क्यों नहीं कहा। अभी इसको ये पता नहीं कि मैं अगर उसको ये कहता कि प्रकाश तेरे बाप को नहीं आएगा तो उसको अच्छा लगता, वो क्यों कितना दिन तक कूड़ता, बुरा दृष्टि मेरे को गंदा विचार देता, हालांकि मेरी नीयत नहीं थी, तो मैं सुन लिया, मन वचन कर्म से पवित्र रहना, मेरे वचन से किसी को नुकसान होता है तो ठीक नहीं। अब तुम लोगों को सच्ची बात कहता हूँ, अब चाहे तुम रुस हो मत रुस, मेरी नीयत साफ है, मेरी नीयत साफ से नीयत से कह देता हूँ, मगर मेरी साफ नीयत से ले गया कि चल के देखेंगे, मैं कमीशन को देने जा रहा हूँ कि बड़े आदमियों की हालत देख लेंगे, ये बड़ा आदमी बहुत बड़ा बंगला देखो कैसे बातें क्या थी, किताब पढ़े कोई नमाज, कोई किताब की ऐसी पड़ी है, किताब में देखी गलियाँ उड़ रही थी, वो फरान उड़ रही थी, अरे तो नेगेटिव देखो, अच्छा को अच्छा ही देखो, कोई नहीं उसमें, अरे मैं अच्छा ही देखता हूँ, कोई 6 साल के बाद भी कोई किताब पढ़ता है वो प्रभावित होता है, उसका कोई विचार बीज बाड़ा के खड़ी जाएगा, वो किसी ने ग्रुप, अब पूरा नहीं होगा, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग काम करो, और सत्संग ये था कि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे है,